तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग कुछ ऐसे होने वाला है कि चीकू स्कूल जा चुका है और मैं अभी उठी हूँ। कृतिका दीदी और पायल दीदी, मतलब कृतिका ने और पायल दीदी ने जाना है मेरे साथ वहाँ पे जलंधर, उनको काम है। तो जीजू बोल रहे तू भी साथ चली जा, देख ले। पायल दीदी तो थोड़ा मतलब है, थोड़ा लो डाउन फील कर रही है। कृतिका ठीक है, उसको कल रात को फीवर था, तो वो बोल रहे काम कर तू भी इनके साथ चली जा, आराम से सोते हो और लेटते हो जाना, तो आपको मिलती हूँ मैं नहाने के बाद। तो मैं हो चुकी हूँ फुल रेडी। हम जा रहे हैं लुधियाना, जैसे मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था, क्योंकि दीदी का चेकअप करवाना है। उसके बाद हम सीधा शायद रात तक, मुझे ये लगता है यहाँ से 4 घंटे का ही रास्ता है, आराम से लेटते सोते हुए जाएंगे। उसके बाद वहाँ से सीधा चेकअप करा के घर, क्योंकि उन्होंने बोला था कि अगर जब पॉजिटिव आ जाएगा और सब कुछ सही हो जाएगा तो आप प्लीज़ एक बार विजिट करना है। वो IVF के कुछ होता होगा कि मतलब चेक करना है या उनको जो भी। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं चाहती हूँ फटाफट बेबी बने और उसके हार्ट बीट्स हो, छोटे छोटे हाथ पैर, बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए। तो बस आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट कि सब कुछ बहुत बहुत अच्छा हो और आगे जाके प्यारा सा हेल्दी बेबी हमारे हाथ में आए। यहाँ पर शांति दीदी खड़ी है 2 तकिया लेके, और पूरा सेटअप बिक चुका है कृतिका और पायल दी के लिए। क्या वो इसके ऊपर ही लगने के लिए आ रहा है या ऊपर लेने के लिए आ रहा है? इस पे बिछेगा तभी है। वो वहाँ पे शायद पौधे देख रहे हैं ना। हाँ हाँ सही है। तो एक और आया जीजू के ऊपर, कमरे से आया ना ये ले तू पकड़, मैं बिछाऊंगा। थोड़ा वो हो जाएगा ना सॉफ्ट। तो यहाँ पे पायल दीदी की सी कौन सी थी? हाँ, कौन सी थी ये? मैंने नहीं निकाली है, क्रिमिनल जस्टिस बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। लेट जा कृतिका तू भी। बस मैं लेटूंगी, मैं थोड़ा घर से बाहर निकल जाऊँ तब लेट। ओके। पायल दीदी तो मस्त अपना सो चुकी, लेकिन कृतिका सीरीज में इतना मस्त है, उसको नींद ही नहीं आ रही। अब वो कह रही मैं आते हुए सोऊंगी, अभी पायल दीदी को सोने दे आराम से। अब हम यहाँ पे खाने रुके हैं कुछ, यहाँ पे बर्गर किंग है और KFC है। अब यहाँ पे डिसाइड करते हैं क्या खाएंगे। तो हमारा खाना फाइनली आ गया, अब हमने टेक अवे करवाया क्योंकि जाते समय अभी 2 घंटे हैं, तो आराम से खाते हुए जाएंगे। जैसे कल गुल मीठा, जैसे कल मोमोज आते वैसे है ना छोटे छोटे बर्गर, इसलिए मैं पहले ही अपने एक रैप और एक बर्गर ले आई। और बर्गर पता रैप भी इतना सही आता है इसका। पहले पायल दीदी सो गई थी, फिर दीदी सीरीज देखने लग गई, फिर कृतिका सीरीज देख रही थी, फिर कृतिका सो गई, और अब ली देखी और वो भी चलती भी एक ही है। तो हम फाइनली यहाँ आ चुके हैं और पायल दीदी का अब देखते हैं स्कैन। अभी अभी पायल दीदी का और गोलू का BP चेक हुआ है। गोलू को कल रात को फीवर था तो उस वजह से उसका चेक कराया, और पायल दीदी को रेगुलर चेकअप के लिए बुलाया था। तो यहाँ पे डॉक्टर्स ने बहुत टाइम लगा दिया है, ऑलमोस्ट हमें 2 घंटे हो गए बैठे बैठे, बट फ्री नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बहुत सारे IVF के। और पता है हमें, मैंने एक चीज़ देखी, यहाँ पे कितने सारे लोग आए हैं पायल दीदी को आके कॉन्ग्रेचुलेट करा, ठीक है अच्छी बात है, बट उन्होंने ये चीज़ भी बोली है कि हम आपकी वजह से आए, हमने आपका देखा IVF का, और हम एक तो आए और बोलते हैं हम अमेरिका से हैं। मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे ये चीज़ कि पायल दीदी को देख के सारे, और भगवान करे सबका IVF सक्सेसफुल हो और सबका हेल्दी हेल्दी प्यारा से बेबी हो। बट अब बस अब पायल दीदी को बुलाया, कृतिका और मैं बैठे हैं, उनका चेकअप होना है, उसके बाद हम निकलते हैं घर को। तो पहले जो हमने बर्गर खाया था उससे तो किसी का भी पेट नहीं भरा, एक था वो भी इतना छोटा था, इन्होंने तो फिर भी उसमें सॉस नहीं डलवाई थी। तो अब हम रुके हैं कहीं अच्छी जगह खाने, तो अब हम इतनी दूर आए हैं तो हमने सोचा यहाँ पे खा ली, हमें अच्छी लगी है, तो हम कुछ करना चाहते हैं। शॉप नहीं खाते ना क्योंकि बेस कम है। सही तो है। तो गाइस आज ना छोटी सी मिस हैपनिंग हो गई चीना के साथ, मतलब कि ना जहाँ पे हम खाने के लिए गए थे वहाँ पे चीना ने नुटेला वाली पेस्ट्री ऑर्डर करी थी, तो नुटेला वाली पेस्ट्री मैंने भी खाई, मुझे भी टेस्टी लगी, तो एक ही मंगवाई थी हमने। हमने सोचा 2 क्यों मंगवाए, अगर अच्छी होगी तो मंगवा लेंगे। मैंने कहा मैं ज्यादा नहीं खाऊंगी, एक आधी बाइट खा लूंगी,
तो चीना को जाना था वॉशरूम, चीना मुझे पेस्ट्री देके गई कि बहन तू ले आई हो। मैंने कहा ठीक है, इसने स्पेशली कहा था पेस्ट्री लाई, मुझे बड़ी टेस्टी लगी है। मैंने कहा ठीक है, मैंने भी एक ही बाइट खाई, मतलब एक दो बाइट खाई, आधी पेस्ट्री काउंटर पे रखी और मैं भी ऊपर चली गई इसके साथ, इसके पास। फिर हम बाहर आ गए, फिर अब याद आया हमें कि यार न्यूट्रिला वाली पेस्ट्री तो रह गई। सच में वो पेस्ट्री इतनी टेस्टी थी ना, अगर हमें मेरे को वहाँ मिली ना, जीरकपुर साइड मिली, तो मैं आज मंगवाऊंगी बहुत, और चीकू को भी खिलाऊंगी, क्योंकि चीकू को भी ना पेस्ट्री बहुत अच्छी लगती है। मैं हमेशा क्या करती हूँ, चीकू को रेड वेलवेट ही खिलाती हूँ, बट ये वाली पेस्ट्री सच में बहुत टेस्टी थी। तो फाइनली हम घर आ चुके हैं और मैं बहुत बहुत टायर्ड हूँ, अब कुछ खाते हैं और शायद मैं थोड़ी देर में सो ही जाऊंगी। तो हम वहाँ पे एक जगह रुके थे, हमने वहाँ पे चीकू के लिए खाने पीने की चीज़ें ली थी, जैसे बच्चों को पसंद है चॉकलेट टॉफीज, और वहाँ पर हमने दवाइयाँ ली दीदी की एक बारी में, IVF की इतनी सारी दवाइयाँ दी उन्होंने 28,000 की, मतलब एक नॉर्मल बंदे से भी, जैसे अगर IVF कराना है तो सीरियसली बहुत पैसे चाहिए उसके लिए, पहले IVF का खर्चा, उसके दवाइयों का खर्चा, हर टाइम वो कुछ इंजेक्शंस वगैरह सब साथ साथ चलते हैं। हाय गाइस, मुझे आप सबसे ये बात करनी थी कि आप लोगों के बहुत बहुत कमेंट्स आ रहे थे इस बात को लेके कि पायल दीदी या गोलू दीदी तुम्हें ऐसे ट्रीट कर रहे हैं या कुछ। ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता या मुझे फील होता तो मैं यहाँ पे अब तक क्यों होती। दूसरी बात, ये मेरी बहन का घर है, मुझे पता है और उन्हें भी पता है कि कैसे ट्रीट करना है। मैं वो कोई मुझे इग्नोर नहीं करते। पायल दीदी का नेचर और गोलू दीदी का नेचर दोनों का ही मेरे साथ सेम है, जैसे उनका मेरे घर होता है या यहाँ होता है, कोई भी डिफरेंस नहीं। आप लोगों को मुझे नहीं पता किस उससे लग रहा है, क्योंकि मैं इतने व्लॉग्स बनाती नहीं हूँ, नॉर्मल व्लॉग्स बनाती हूँ, मतलब जब ये लोग कुछ कर रहे हो, या क्योंकि यूजली ये लोग व्लॉग्स बना रहे थे तो मैं इतना व्लॉग बना नहीं पाती, क्योंकि हम वो सेम क्लिप मैं नहीं ले सकती, राइट। तो इसीलिए हम अलग अलग क्लिप्स बनाते हैं। तो आप सबको मुझे लगता है, ऐसे लगता है कि वो इग्नोर कर रहे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे खुद को फील होता, लेकिन मुझे ऐसा कुछ फील ही नहीं होता। जैसे मुझे कृतिका ट्रीट करती वैसे ही मुझे पायल दीदी ट्रीट करती, एग्जैक्ट सेम, ऐसा कुछ भी डिफरेंस नहीं। सब ये बोल रहे थे कि मैं यहाँ आकर व्लॉग्स बना रही हूँ या मैंने यहाँ से व्यूज के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वहाँ पे भी बनाती थी और आप मेरे सिर्फ लास्ट के दो व्लॉग्स में व्यूज नहीं थे, बाकी व्यूज थे, क्योंकि मेरे जो क्या होता है अनबैलेंस हो जाता था बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने आज बनाया और 5 दिन नहीं बनाया, ऑफिस के चक्कर में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहे थे वो व्लॉग्स, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और अगर दूसरी बात, यहाँ पे पायल दीदी का इलाज चल रहा था IVF का, और कृतिका उनके ध्यान के चक्कर में वहाँ पे आ नहीं पा रही थी, और ना पायल दीदी कोई भी नहीं आ पा रहा था, जीजू आए थे बीच में, तो मेरा बहुत टाइम से मन था इनसे मिलने का, तो मैं आई यहाँ पर। तो इसलिए मेरे वापस जीजू ने मेरे को बोला व्लॉगिंग वापस से शुरू कर, तेको आगे मैंने, क्योंकि मैंने जॉब छोड़ दी थी, तो जीजू ने बोला इसी में स्कोप डाल बेटर। तो मैंने वापस से व्लॉगिंग शुरू करी। अब मैं दिल्ली जाके भी कोशिश करूँगी कि मेरी व्लॉगिंग्स ऐसे ही चलती रहे। और आप बोलते हो मैं बालकनी में आके बनाती हूँ कि मुझे अनकंफर्टेबल लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे यहाँ पे ऐसे मतलब थोड़ा रोशनी होती है, थोड़ा अच्छा लगता है। घर में मैं क्या ही बनाऊँ अंदर, क्योंकि अंदर उनके भी ब्लॉग्स वही सेम होते हैं, तो इससे मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं बाहर आकर ही ब्लॉग बनाऊँ और जो आपसे इंटरेक्ट कर सकूँ, क्योंकि मेरी इंटरेक्शन आप लोगों से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर जाकर मैंने ही जाके ब्लॉग्स बनाने हैं और आपने मुझे ही देखना है, तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे इंटरेक्ट करो। ऐसा कुछ नहीं कि मैं उनको लेती नहीं हूँ या वो मुझे नहीं लेते, मैं ही इतनी शाय हूँ कि मैं ही ज़्यादा नहीं आती। तो कल जिस रेस्टोरेंट हम खाने मिले थे, उन्होंने हमें ऐसे 3 पैक दे रहे थे, क्योंकि वो पायल दीदी को और गोलू को पहचान चुके थे। उन्होंने बोला प्लीज़ आप हमसे लेकर जाइए, प्लीज़ हमें शर्मिंदा मत कर। ये अलग अलग 6-7 बिस्कुट्स है जो उन्होंने दिए हैं हमें। तो फिर हमने उनको बोला नहीं आप एक ही पैक दे दो। गोलू नीचे गई थी जीजू के लिए बिस्कुट्स लेने, ये वाले 3, लेकिन फिर उन्होंने हमें ये पैक दे दिया। आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करना मत भूलें। मैं सुबह आके इसलिए एंडिंग करती हूँ क्योंकि रोज़ रात को यही होता है। कल भी यही हुआ कि जीजू आए, मतलब जब शाम पहले जीजू नीचे बैठे हुए थे, जीजू आए ऊपर और आकर उन्होंने थोड़े बहुत सॉन्ग सुनाए, मतलब जो उनके अपकमिंग सॉन्ग्स हैं वो, और उनका मेन है अपना मतलब डांस वाले या उनका एक्टिंग, ये बहुत अच्छी है। तो जीजू के मुझे सबसे बेस्ट लगता है जीजू के, जो जीजू का माइंड और चीकू सेम वैसे, चीकू कॉपी बहुत जल्दी करते हैं, उनके स्टेप्स हो गए या उनकी एक्टिंग होगी, तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। तो हम रात को आराम से इन्जॉय कर रहे थे, बैठे हुए थे सारे, और ऑलरेडी हम सभी टायर्ड थे, तो हम रात को जल्दी सो गए थे, आए
उसके बाद अब मैं उठती हूँ, मैं गुड मॉर्निंग के साथ साथ ही गुड नाइट करना पड़ता है क्योंकि रात को टाइम ही नहीं मिल पाता और मैं सो जाती हूँ। यहाँ पे मेरा शेड्यूल कुछ ऐसा हो गया कि मेरा घर पे ये था कि रात को जागती थी और दिन में सोती थी, अब यहाँ पे ये हो चुका है कि सभी ऐसे रात को जल्दी सो जाते और दिन में उठते, तो वही शेड्यूल सेम हो चुका है और अच्छी बात है, यही होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, मेरे को पूरा दिन लेज़ी फील नहीं होता और ना ही मुझे मतलब डिजी डिजी फील होता है, तो बेस्ट है। तो मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।